नमस्कार साथियों, आज की राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 200 की, यानी अनुच्छेद 200वां जो अनुच्छेद है उसकी हम आज की इस कक्षा में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे की कक्षाओं में भी आपको बताया था कि आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि वहाँ पर जो हमेशा से जो अनुच्छेद पूछे जाते थे आजकल वो अनुच्छेद नहीं पूछे जा रहे, बल्कि ऐसी बातें पूछी जा रही है जो महीन है, थोड़ी बारीक है। तो उसी के चलते ही आज हम अनुच्छेद जो 200 है हमारा उस पर हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 200 में लिखा है कि विधानमंडल, जो राज्य का विधानमंडल है, उसके द्वारा कोई भी विधेयक पास होकर के जब राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल के पास दो ऑप्शन होंगे कि या तो वो उस विधेयक को पास कर देगा या फिर वो उस विधेयक को संशोधन के लिए या जो दोबारा से उस पर विचार करने के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज देगा। विधानमंडल उस विधेयक को एक बार फिर से देखेगा और अगर विधानमंडल के सदस्यों को लगता है कि उसमें कुछ संशोधन करना है तो उसमें संशोधन करेंगे, अदरवाइज वो जैसे पहले था वैसा का वैसा ही वो वापस राज्यपाल के पास उसे भेज देंगे। अब 99% जो विधेयक होते हैं वो राष्ट्र जो राज्यपाल है वो इस बार उनको पास कर देता है, क्योंकि उन वो थोड़ा बाध्यकारी होता है यहाँ। लेकिन एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी विधेयक वो पास कर दे ऐसा बाध्य नहीं है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इस विधेयक के पास होने से कानून संबंधी, संविधान संबंधी, न्यायालय से संबंधित किसी भी हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होता है तो फिर वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज देता है। इस बात की चर्चा इस अनुच्छेद जो 200वां अनुच्छेद है या आर्टिकल 200 है इसमें इस बात की चर्चा की गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कहीं आपको थोड़ी सी भी कहीं चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देख करके भी उन बातों को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।